अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 4 की स्टडीज़ कर रहे थे, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया था। अब 4.2 शुरू हुआ था और हमने एटॉमिक रेडियस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ये तीन हेडिंग्स हैं और बेसिकली तीनों हेडिंग्स बेस करती हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये एक ट्रेंड है, ये एक तरतीब है, ये एक नक्शा है जो बताता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन चीज़ों का बिहेवियर क्या होता है। और ये बिहेवियर बुनियाद बनती है कि एटॉमिक साइज क्या है, एटम का एटम कैसा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, H की, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन से शेल में जाएगा, पहले में। अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 1A की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है। और अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 7A की, तो उस ग्रुप नंबर 7A में 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आते हैं। तो पता ये चला मेरे प्यारों कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें ये बात को बाखूबी अंदाजा है कि हमें आउटर मोस्ट शेल को देखना होता है, कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब जो ग्रुप नंबर 1 है, आउटर मोस्ट शेल में मिसाल के तौर पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप नंबर 1A में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अब आप लोग सोचिए कि इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। टोटल कितने थे, 8, एक मौजूद है, कितने की कमी है, 7 की। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करने पड़ेंगे। तो ये गेन करना आसान है या मुश्किल है, मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, इसके लिए आसानी क्या है कि अपना आउटर मोस्ट शेल को के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दे, रिलीज कर दे, निकाल दे, अपने अंदर से बाहर निकाल दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो उसके नीचे वाला शेल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब डेफिनेशन सुनिएगा, लेकिन इसके मुकाबले में, सॉरी पहले 7A को भी डिस्कस करूं। 7A को देखिए, जो ग्रुप नंबर 7A है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट, बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 7 आर प्रेजेंट, 1 आर मिसिंग। दैट्स व्हाई द ग्रुप नंबर 7A क्या करेगा, दूसरे किसी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि इसको भी क्या करना है, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। तो हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 1A पे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release the most loosely bonded electron from the outermost orbit. अब देखें जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, वो कम से कम एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वॉट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें नोट करनी है, एक ग्रुप के अंदर बिहेवियर क्या है और एक पीरियड के अंदर बिहेवियर क्या है। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं, ये रिएक्शन जो होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, जिसके अंदर एंडोथर्मिक द रिएक्शन व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, एंडो कहते हैं व्हेन हीट द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर हाइड्रोजन एच है, एच में से मैं यहाँ पे एरो की मिसिंग है, अगर यहाँ पे एक एरो डाला हुआ होता तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसकी एनर्जी कितनी चाहिए होगी, किलो जूल पर मोल में, ये दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखेंगे ये लेफ्ट टू राइट है, इन अ पीरियोडिक पीरियड, इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो
तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन टेंशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो मेरे प्यारों, हर चीज दूसरी चीज से लिंक है। मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा तो ये बात आपको और समझ में आ जाएगी। होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। अब मुझे पहला शेल जो था उसके अंदर एनर्जी पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरे शेल में 3A में तीन ऑर्बिटल, तो मुझे और ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूँ ना, ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ग्रुप के अंदर बात करेंगे, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है ड्यू टू इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन निकलने तक की सलाहियत होती है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता। अगर चार इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसके बाद से बिहेवियर चेंज हो जाता है पीरियोडिक टेबल का और उसको हम नहीं निकाल सकते। सही है, आप लोगों ने बेटा देखो डेफिनेशन याद करनी है, असल है ये डेफिनेशन बस, और ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है और पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, बाकी कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता आप ये देख सकते हो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म करके चार्ट बनाए उसको याद करें। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल टूवर्ड्स इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो सलाहियत, वो टेंडेंसी, वो कुवत किसी भी एटम की दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट खींचेंगे पीरियोडिक टेबल में, जो कहां पे होंगे, ग्रुप नंबर 7 में होंगे। क्यों ग्रुप नंबर 7 का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ग्रुप नंबर 7 के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से, 7 इलेक्ट्रॉन मिलकर किसी भी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, इसकी। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन खींचने, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच ही नहीं सकता। एक को खींच, दो को, तीन को खींचा जा सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा जा सकता। इसलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 7 की होती है, और ग्रुप नंबर 7 में फ्लोरीन की, सबसे पहला ग्रुप आता है फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट आप जब देखेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लाइन से लिखे हुए। ग्रुप नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो 2.5 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कम हो रही होती है। फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की होती है 2.5। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को सामने रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज लेस देन 1.7, अगर दो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका एलिमेंट का जो डिफरेंस हो 1.7 से लेस हो, कम हो, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और अगर 1.7 से ज्यादा हो तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये आप लोगों ने चीज़ें याद करनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगा आपसे तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं इसको दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा रिकॉल बैक करूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉपी एंड पेंसिल, और उम्मीद है उस वक्त आपको बात और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इंशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।